अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, मेरे प्यारे माँ बहनों, आज का दिन जो है आईएमए के जो एक बहुत बड़ा घोटाले के बारे में हमें कुछ चंद दिन से हमें एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रखी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दुआ से ये कोशिश जारी भी है। लेकिन एक बात दुख की बात क्या है, करूँ बोलेगा तो मंसूर अली खान जो हैं बार बार एक वीडियो भेज रही, कभी वीडियो क्लिप भेज रही, कभी वॉइस मैसेज भेज रही, इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा हमना। तो इन्हों क्या कर रहे हैं, इन्हों कांगीर हजा को इन्हों मुझे जान का धोखा है, मुझे फलाने तकलीफ दे रही, मुझे फलाने तकलीफ दे रही, ये कोई बात में कोई दम नहीं है या क्या? आखिर समझते हैं आप मंसूर अली खान, क्या हमारे कर्नाटक जनता बेवकूफ़ है क्या? इतनी भी बेवकूफ़ है क्या? नहीं है। आप जैसे आप सोच रहे हो वैसा कोई नहीं है। तुम्हें कांगी बढ़ जाओ, तुम्हें सियासतदान लोगों का नाम लेना, इनका नाम लेना, उनका नाम लेना, ये सब क्या है? आओ, तुम्हें क्या तुम्हारा तकलीफ हो रही है? तकलीफ आपको मेरे माँ बहनों को हो रहा तकलीफ, ये जनता की तकलीफ हो रही है। आज हालात हमें देख रही अंख्यान से, आज इनके हालात इंशाल्लाह मैं बोल नहीं सकता, अल्लाह से दुआ करता हूँ। मेरे भाई माँ बहनों की एक में एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप हिम्मत से रहिए, हिम्मत से काम लीजिए, आप कोई गलत खबर मत उठाइए। आज इंशाल्लाह आपको कोई तरह की तकलीफ नहीं हो जी, हमें ही इंशाल्लाह कर्नाटक की जनता आपके साथ है। मंसूर अली खान, अब तुम्हें कांगी बढ़ जा को लंदन में बढ़ेंगी, दुबई में बढ़ेंगी, नहीं कहाँ बढ़ेंगे मालूम नहीं। खाली हमें आ रही जान का धोखा है, मुझे इन्हें मुझे उनके कई को इन्हें क्या नाम बदनाम कर दी तुम्हें। अगर तुमने तकलीफ है तो आओ, किससे तकलीफ है तुमना? सियासतदान लोग कौन है बताओ, ओपन बात करो मंसूर अली खान। तुम्हें बैठ जा को एक करना में बात बोलती हेड़ी कर बोला को, ऐसा बोलो ना को तुम्हें। एक मर्दंगी की बात करो तुम, अल्लाह रसूल को जानने वाले तुम्हें चंद ऐसा काम कर को ही तुम्हें उलमाओं को, हमारे मौलानों को, हमें एक इस्लाम को बदनाम कर, बदनाम तक धब्बा लगा डाली तुम्हें। ये धब्बा को धोना कर को बोले तो तुम्हें फौरन, तुम्हें कार है तो भी तुम्हारी जान छोड़ो, तुम्हारी जान चलेगी है। अगर एक जान के तरफ से तुम्हें या मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम को फसाद की एक माहौल बना डाली तुम्हें, ये माहौल को अल्लाह रसूल का वास्ते तो माहौल बनाने की कोशिश करो ना को, कौन दे विरंद है? तुम्हें आओ, हमारे कर्नाटक की सरकार है, हमारे ये है, डिपार्टमेंट है, पुलिस है, कानून करने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। कानून किसकी बाप की जागीर नहीं है, किसी की भी नहीं छोड़ती है, फल्ला तुमको नहीं छोड़ती है, कौन भी रह जाए सियासतदान का लोग है आगो बोलो चुपके, इन के नाम लोगों को बदनाम करना, ये मुझे आपकी मर्दांगी की कोई ये नहीं दिख रही है मुझे। फौरन तुम्हें कह रहे तो भी आओ, तुम्हें जीना क्या मरना का क्या भी नहीं है। अगर आप आगे अगर बोले तो भी इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मुश्किल होगा नहीं, नहीं तुम्हारा हाल वेल खत्म हो जाती इसके अंदर, ज़रूरत नहीं है। ये है ऐसे आदमियों की बदवा है तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या करो तो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देता नहीं है। गरीबों की बदवा नकल लो, सबकी ले लो, गरीब की हाल लेने को, जब गरीब बदवा करता तो अल्लाह ताला ऊपर से अल्लाह ताला राजी हो जाता है। जब अल्लाह ताला को देख रहा अल्लाह ताला सत्तर माँ के मायावत रखने वाला परवर्तिकार क्या चुपके बैठ को नहीं है? मंसूर अली खान, तुम्हें अपने साथियों को बदनाम कर रहे हैं, सियासतदानों को बदनाम कर रही, कौन है उधर सियासतदान? ओपन बोलो जाओ जी, तुम्हें हेड़ी के काम करो ना को, तुम्हें एक बुजदिली का सबूत दे को, तुम्हें आगो सामने बात करो तुम्हें। अगर इंशाल्लाह अगर सामने आगो तो हई हमारे मुसलमान लड़ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत नौजवान लड़ रहे हैं, हमारे बी के अल्ताफ खान साहब हैं, इमरान पाशा साहब हैं, खबरुल्ला हैं, मुजाहिद पाशा हैं, बहुत सारे लीड रहे हैं। अगर इन लोग सभी अगर एक हो गए अगर बोलेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। इन सभी कौन की खिदमत के वास्ते में बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन के बारे में और गरीबों की मदद के बारे में एक अच्छे काम के बारे में अपनी ज़िंदगी को हम एक दाव लगा को मुस्लिम्स की कमेटी और हिंदू कमेटी के वास्ते इन सभी बहुत कुछ कुर्बानी देखो ही। लेकिन तुम्हें क्या करें सो, इधर आ चला को चला को पैसा पूरा घंटरी मार लेगा तुम्हें, रफू चक्कर वगैरह बोला तो कौन इसका जिम्मेदारी ना? जब तक तुम्हें सामने नहीं आते हिंदुस्तान को आको, तुम्हें अपने आप को सरेंडर करको, जो कौन सियासत है इनका नाम अगर बहिरंगा नहीं करते तुम्हें, अगर इंसान मालूम नहीं कराते तब तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। इसके वास्ते हमें अपनी सारी जिंदगी हमें इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते, हमें बेंगलुरु जनपरा वेदी का बेंगलुरु अध्यक्ष हमें असलम पाशा बात कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह ये मेरे माँ बहनों की दुआ हमारे साथ है, तुमना हमें इंसाफ नहीं, मैं मेरा माँ बहनों का पैसा तुम्हें फ़ौरन जल्द से जल्द लौटाना, इसका अंजाम बुरा होगा। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जनपरा वेदी।